समझ लीजिए दिमाग की बात, अनपढ़ लोग ज्यादा परिचित में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, वो भी सीखा हुआ व्यक्ति नहीं है तो उसका दोस्त भी सीखा हुआ व्यक्ति नहीं होगा कहा तक पे। हाँ मेजोरिटी में तो वही लोग होंगे कि नहीं होंगे, मानते हो। तो ये अनपढ़ व्यक्ति के दो लोग जानकार है कि नहीं है। अभी ये अनपढ़ व्यक्ति ने बोल दिया कि एटोमी का पेस्ट बहुत अच्छा है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, पैसे लगे क्या? नहीं लगे। तो ये अनपढ़ व्यक्ति ज्वाइन हो गया, ये भी अनपढ़ था, ये भी अनपढ़ व्यक्ति है, ये भी अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, एक एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस ने, टाटा ने कभी ये नहीं पूछा कि सो योर डिग्री देन आई विल गिव यू माय प्रोडक्ट, बोला है क्या कभी? तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि ही इज इलिटरेट पर्सन, ही विल नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ आर हर लाइफ, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन उनके घर में जाओगे आज भी कोई ना कोई ब्रांड का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको यदि अपॉर्चुनिटी आप देंगे कि आप पैसा इस सिस्टम से बना सकते हो, तो कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसको पैसा मिल रहा है और वो बोलेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए? कोई नहीं, कोई बोलेगा? आज हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम बोलने के लिए डरते हैं, कहीं बोल देंगे और वैसा हकीकत में नहीं हुआ तो लोग, सोसाइटी, हमारे परिवार वाले लोग हंसेंगे, यही प्रॉब्लम है मन में, है कि नहीं? लेकिन आज से वो प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम रहने वाली नहीं। तो ये जब अनपढ़ व्यक्ति को जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा, तो आज इंडिया में गरीब की जनता कितनी है? 135 प्लस, मैं 100 करोड़ ही मान के चलता हूँ आपको समझने के लिए। तो 100 करोड़ के 50% मतलब कितने लोग हो गए? 50 करोड़ लोग हो गए जो कि किसी न किसी व्यक्ति के आज भी ग्राहक है। Am I right or wrong? ग्राहक है। मान लीजिए कि ये 50 करोड़ लोग आपको चाहिए क्या? इंपीरियल बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, या सेल्स मास्टर बनने के लिए, मैंने तो उदाहरण बताया, लेकिन उतने लोग चाहिए क्या आपको? नहीं। आपके गांव में एक छोटा सा एक शॉप वाला होता है, तो वो शॉप वाला के दुकान में लगभग 400-500 लोग ये इधर उधर उनके गांव के पूरे ग्राहक होते हैं, होते कि नहीं होते? और ये ग्राहकों में कोई ये नौकरी करने वाला है, कोई बिजनेस वाला है, ये कोई गरीब है, ये कोई खेती किसानी करने वाला है, कोई पान ठेले वाला है, हर प्रकार के लोग सामान कहाँ से खरीदी करते हैं? दुकान से खरीदी करते हैं। और जब दुकान से खरीदी करते हैं, आप अपना सर्वे करो, मैंने तो कर लिया है, आपसे ज्यादा पैसे दुकान वाले के पास में है कि आप जो नौकरी करते हो आपके पास में? किसके पास में है? दुकान वाले के पास में। क्लियर हुआ? मतलब हमसे ज्यादा पैसा केवल 100-500 लोगों का, कस्टमर का एक नेटवर्क बना के हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, महीने का पगार लाते हैं, यहाँ खरीदी करने के लिए जाते हैं, और ये बैठे बैठे अमीर बनते हैं। कितने लोगों की वजह से? मात्र 500 लोग। एक गांव की जनसंख्या कितनी होती है? 500,000, राइट? तो 500 लोगों की वजह से ये अमीर बनता है। तो क्या आप अपने परिचित से दो लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करके अमीर नहीं बन सकते? कोई हार्ड बात है दो लोगों को ज्वाइन करना? हार्ड बात है क्या फ्री में ज्वाइन करना? तो जब दो लोगों को आप सिखाएंगे कि गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, तो दो लोग दूसरे अपने दो लोगों को सिखाएंगे, दूसरे और दो लोग अपने लोगों को सिखाएंगे, ऐसे करते करते जब फर्स्ट टाइम टू व्हीलर लॉन्च हुई होंगी इंडिया में, फर्स्ट टाइम सोच के देखो थोड़ा इमेजिनेशन, तो पहली बार किसी ने टू व्हीलर चलाना सीखा होगा क्या? जब पहली बार टू व्हीलर लॉन्च हुई होंगी तो पहला ही व्यक्ति होगा कोई ना कोई चलाने वाला। जब शुरुआत हुई टू व्हीलर की चलाने की, तो पहला व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? आज रोड के ऊपर कितने लोग चलाते हैं टू व्हीलर? करोड़ों लोग हैं, राइट? जब आप ये सिस्टम को समझ के जब लोगों को सिखाओगे कि फ्री में दो लोगों को रजिस्टर्ड करना है और अपने घर में जो प्रोडक्ट लगते हैं वही इस्तेमाल करना है,
इतने केस करो कोई कंपलसरी नहीं। ये तब लोगों को समझेगा, एक आम इंसान को समझेगा। आपकी टीम बोलोगे लाखों की होनी चाहिए, वो करोड़ों में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास में है। आज तक के किसी भी कंपनी ने मेजॉरिटी को टच नहीं किया है। 20 साल की कार्यकर्ता हो गई है डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री में, लेकिन जनरल व्यक्ति को प्लान बताने के लिए हम गए नहीं। आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। हम कहां घूम रहे हैं? ये नेटवर्क में वो काम कर रहा था, उसको कांटेक्ट कर दिए, वो दूसरे नेटवर्क में काम कर रहा था, उसको कांटेक्ट कर दिए, और इन्हीं लोगों का नेटवर्क हमने बनाया है। नए लोगों को हमने टच ही नहीं किया। सोचो कि आपके जो ड्रीम्स थे वो कंप्लीट हो गए, लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसा भी सिस्टम है जिसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो हर इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो क्या पता कि उसके कितने लोग परिचित के हैं, लेकिन वो व्यक्ति केवल बेस्ट की इस्तेमाल करता है तो भी आप करोड़पति बन सकते हो। रिलायंस टाटा केवल एक प्रोडक्ट बेचकर जब करोड़पति बन सकता है, तो कंपनी इंडिया में 39 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो आप कितने बड़े करोड़पति बन सकते हो? बन सकते हो कि नहीं बन सकते? अभी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना नहीं है, किसके घर में कैसे प्रोडक्ट सेंड करना है इसके बारे में भी टेंशन लेने का कोई काम नहीं है। वो सारा का सारा काम कौन करती है? एटोमी। इसके लिए कंपनी ने ग्रुप जो बना है, आपका जो ग्रुप बना है, यहाँ पर लेफ्ट ग्रुप है जो आपने उदाहरण दिया था अनपढ़ लोगों का बनाया है जिनको केवल प्रोडक्ट यूज करना है, और एक राइट ग्रुप बनाया है, और यहाँ पर हमारा ग्लोबल बिजनेस होने की वजह से यहाँ पर हमको ग्लोबली पॉइंट मिलते हैं, और ये ग्लोबल पॉइंट का इंडियन रुपीज में इनकम होता है। तो जैसे ही आपके 10,000 पॉइंट हो गए, कंपनी बोलती है कि जब भी आपके ग्रुप में लेफ्ट में सब मिलाकर 3,00,000 पीवी हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में 3,00,000 पीवी हो जाएगा, तो आपका ये एक मैचिंग होगा। और सबसे विशेष बात ये है कि कंपनी ये बोलती है कि जब तक आपका लेफ्ट और राइट का 3,00,000 मैच नहीं होगा, वो महीने का आखिरी दिन भी होगा, फिर भी आपके पॉइंट जो बने हैं ग्रुप के कभी जीरो नहीं होंगे। कभी जीरो नहीं होंगे मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन आपने 10,000 पॉइंट बना दिए, आपने बैंक डिटेल्स अपना एटोमी में डाल दिए, तो आपको यहाँ पर इनकम, वो चाहे डेली बेस पर आए, वो चाहे 15 दिन में आए, वो चाहे महीने भरे में आए, बट 1321 रुपए आपके खाते में आना एटोमी की तरफ से तय है। जैसे ही आप 3,00,000 मैच करते हो, यहाँ पर 5 पॉइंट मिलेंगे, और ये जो इनकम होता है 1321 रुपए, आपको गवर्नमेंट का जो 5% TDS जो टैक्स होता है वो काट कर आपके अकाउंट में कंपनी वीकली डालेगी। आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ता हो गया आपके अकाउंट में, हफ्ता हो गया आपके अकाउंट में। जैसे ही आप सेकंड लेवल पर जाओगे, और जब पर्सनली आप 3,00,000 पॉइंट बनाएंगे, और ग्रुप भी जब 3,00,000 पॉइंट फिर से बनाएगा, यहाँ पर 3,00,000, यहाँ पर 3,00,000, ये 3,00,000 जैसे ही मैच होंगे, यहाँ पर मिलेंगे आपको 15 पॉइंट, और आपका इनकम होगा 3,964 रुपए। बिजनेस उतना ही है, बिजनेस उतना ही है, लेकिन पर्सनल क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ने की वजह से आपका इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट है कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स है, यूज करने वाले प्रोडक्ट्स है, तो कभी ना कभी तो फिर से खत्म होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो खत्म होंगे, जब फिर से क्या होगा, हम लेंगे तो हमारे पॉइंट बढ़ जाएंगे, ग्रुप के भी संख्या बढ़ जाएंगी, जब ग्रुप बड़ा होगा तो डेली 7-7 लाख पीवी का क्या होगा? मैचिंग होगा, और जब 7-7 लाख पीवी मैच होगा तो यहाँ पर ग्लोबल के आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पर जो इनकम है आपका एक मैचिंग का 7,929 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट
कर दिए जाएंगे और उसके बाद वाला जो लेवल है, जैसे ही आप करते हो तो नेक्स्ट लेवल आता है आपका पर्सनली 15 लाख का। 15 लाख नहीं, जैसे ही करेंगे ग्रुप का भी 15 लाख लेफ्ट में हो गया, 15 लाख राइट में भी हो गया, 15-15 लाख डेली बेसिस पे यदि होता है आपको मिलेंगे 60 पॉइंट और इसका तो इनकम मिलेगा 15,000+। एक मैजिक का इनकम कितना मिलेगा आपको? 15,000+, क्योंकि 8 नंबर में बाकी के फिगर दिए हुए, इसलिए मैं बाकी के फिगर्स आपको नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर आपके मार्केटिंग प्लान में आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही हम करेंगे 15,000+ का इनकम आ जाएगा। लास्ट में हमारा पर्सनल क्वालिफिकेशन है, जब आप 24 लाख पर्सनल क्वालिफिकेशन करेंगे, ग्रुप का भी 24 लाख लेफ्ट में, 24 लाख राइट में हो जाएगा, आपको मिलेंगे 90 पॉइंट और 90 पॉइंट का जो इनकम है ये 23,000+ आपको मिलेगा। तो आप सोच के देखिए कि 24 लाख आपने बहुत बड़ा टीम बना के रख दिया और महीने में एक बार भी यदि मैचिंग हो गया एक दिन में, तो आपको इनकम कितना मिल सकता है? 23,000+। और जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, 60 लाख का जैसे ही टर्नओवर करते हो आप, तो आपका जो इनकम है नेक्स्ट में और भी बढ़ने वाला है, हम देखेंगे। यहाँ 60 लाख पीवी लेफ्ट में करेंगे, 60 लाख पीवी राइट में करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे आपको 150 पॉइंट और ये 150 पॉइंट का जो इनकम होता है 39,000+ होता है, 39,000+। फिर बाद में फिर से आप 2 करोड़ पीवी लेफ्ट और 2 करोड़ पीवी राइट यदि मैचिंग हो जाता है तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 250 पॉइंट और यहाँ इनकम होता है आपका 66,000+। और लास्ट में कि 5 करोड़ पीवी लेफ्ट और 5 करोड़ पीवी राइट में यदि हो जाता है तो आपको ग्लोबल पॉइंट मिलेंगे 300 और इनकम हो जाता है 79,000+। तो इतना इनकम आप डेली का बना सकते हैं, कितना इनकम? 79,000। तो मैंने मेरा कैलकुलेशन किया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि महंगाई कब आएगी, कब बढ़ने वाली है, एरियस कब मिलने वाला है, इसका ज़्यादा कैलकुलेशन चलते रहता है, ठीक है ना। तो 79,000 डेली कमाने के लिए यदि आपको 5 साल लगे तो क्या आप 5 साल देने के लिए तैयार हो? Yes! और 5 साल यदि आप देने के लिए तैयार हो तो 79,000 डेली का मतलब महीने का लगभग 25 दिन का कैलकुलेशन करेंगे 19,00,000+ का इनकम होता है जनरल कमीशन का। और ये 19 लाख को 12 महीने में यदि कैलकुलेट करेंगे तो 2 करोड़+ का इनकम केवल जनरल कमीशन का होता है। तो 5 साल काम करके यदि 2 करोड़+ जनरल कमीशन का इनकम यदि आप मिला सकते हो, उसमें कोई रिस्क नहीं, किसी के तरफ से उधारी लेने की आवश्यकता नहीं, किसी को उधारी देने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने अकाउंट से खरीदी करेगा और इनकम लेगा, तो आपको कोई इतराज होगा? आप टीम बिल्डअप करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। और 2 करोड़ रुपए सालाना जनरल कमीशन कमाना ये कोई सिंपल बात नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से डील करते होंगे तो 5 साल कहीं पर भी काम करोगे, खेती में भी 5 साल काम करोगे, नौकरी में भी 5 साल काम करोगे, आपका छोटा मोटा बिजनेस भी होगा उसमें भी 5 साल काम करोगे, तो आपको 100% गारंटी नहीं है कि 2 करोड़+ का आप जनरल कमीशन साल का बना सकते। Am I right or wrong? कोई भी काम कर लो, हाँ आप अरबों खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जरूर कमा सकते, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये हो गया आपका जनरल कमीशन के बारे में। अभी हमारे स्टेज के ऊपर 3 लोग आए थे, ये 3 लोगों के बारे में रिकग्निशन हुआ, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सेरेंड्रोज मास्टर। ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप अपने अपलाइन के तरफ से सारी बातें चेक कर लेना है और समझ लेना है। मैं इस बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व हुआ उसका लास्ट वाला स्टेप बताता हूँ, वो है आईएम।
मैं आने की वजह क्या है? आई एम मतलब मैं हूँ, है ना? आई एम मतलब कौन है? मैं हूँ, और मैं हूँ इंपीरियल मास्टर, ठीक है ना? जब फर्स्ट टाइम मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, वो कोरिया में मुझे जाकर समझ में आया कि इंपीरियल मास्टर होते कैसे हैं। कहाँ समझ में आया? कोरिया। और आपको कहाँ समझ में आ रहा है अभी? वाराणसी में। तो लकी आप हो कि नहीं हो, मतलब उतना आने जाने का खर्चा नहीं लग रहा है, समय नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो इंपीरियल मास्टर की ही इनकम बताऊंगा, क्योंकि बाकी की सारे लीडर्स लोग आपको सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर कैसा होता है बता देंगे। क्योंकि मेरा लक्ष्य था इंपीरियल मास्टर बनना, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूँ कि जो मैं सोच लेता हूँ वो करे मगर मेरे को चैन ही नहीं आता। आपको होता है क्या ऐसा? आपको होता है क्या? जब तक आप किसी चीज को डिसाइड कर लेते वो जब तक मिलती नहीं तब तक सोने का चलन, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वैसा है आप हो। तो मैंने ये देखा कि इंपीरियल मास्टर क्या होता है और इसकी इनकम क्या होती है। जब वो प्रोग्राम चल रहा था इंपीरियल मास्टर, हमारे जो अपलाइन है मिस्टर सुंग इल किम, ये हमारे अपलाइन में आते हैं इंपीरियल मास्टर है। इनसे ऑलरेडी मैं मिल चुका हूँ कोरिया में, मेरे से भी ज्यादा हाइटेड है। उनका यूट्यूब पर वीडियो है, आप देख सकते हैं सुंग इल किम। तो इनका तो महीने का जो इनकम देखा मैंने पर मंथ का अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 प्लस लाख का था पर मंथ। कितना? 70 से 80 लाख पर मंथ, प्लस में लिखा है, उसके ऊपर में भी हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल टर्नओवर से आपका इनकम बढ़ सकता है। फिर मैंने देखा कि ये तो इनकम हो ही गया है, इसमें जनरल कमीशन भी इंक्लूड होता है। फिर मैंने देखा उनके पास में एक लग्जरी कार है और ये लग्जरी कार इंडिया में 50 लाख की है, एब्सोल्युटली फ्री। किसके तरफ से? कंपनी के तरफ से। आज तक के जितने भी मार्केट में कंपनियां काम कर रही है प्रलोभन देके इंस्टॉलमेंट बेस पे आपके इनकम से ही आपको गाड़ियां देती है, am I right? और आप यदि इंस्टॉलमेंट भरने में यदि अक्षम हो जाते हो तो आपकी बनी बनाई इज्जत भी चली जाती है और फोर व्हीलर गाड़ी भी चली जाती है, बराबर है कि नहीं? तो कंपनी आपको एब्सोल्युटली फ्री देती है, उसकी इंडिया में कीमत कितनी रहने वाली है? 50 लाख की लग्जरी गाड़ी। साथ में मैंने ये देखा कि आज तक के ड्राइवर तो मैंने बहुत देखे हैं, आपने भी मिनिस्टर के ड्राइवर देखे होंगे, आईएएस ऑफिसर की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उनका जो ड्राइवर था टाई कोट सूटेड बूटेड मेरे जैसा कैप लगाए हुए, उनको डोर ओपन करते हुए वो एंटर कर रहे, ड्राइवर उनका दरवाजा खोल रहा है, वैसा ड्राइवर का सैलरी इंडिया में 50,000 मिलेगा और ऑल विल पेड बाय कंपनी। 50,000 सैलरी किसकी? आपके ड्राइवर की, ठीक है ना? मिलेगा। तो जब ड्राइवर की आपके सैलरी 50,000 रुपए है तो आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा? जबरदस्त होगा। उसी समय मुझे लगा कि मैं जिस चीज की तलाश कर रहा था जो मुझे नहीं मिल पा रही थी, बार बार मैं ठोकरे खा रहा था, बार बार मैं 20 साल से फेल हो रहा था मेरे लाइफ में, करने की कोशिश कर रहा था कि अमीर बनना है लेकिन फेल, अमीर बनना है लेकिन फेल। तो फेल का मतलब भी बता देता हूँ और बाद में मैं समझा के बताता हूँ। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जो भी पहली बार आप काम करोगे लाइफ में, पहली बार कोई भी काम करो लाइफ में पहली बार, तो आपको फेल होना ही पड़ेगा।
राइट। ऐसा कोई इंसान वर्ल्ड में नहीं है कि जो पैदा हुआ और जमीन पर कभी भी नहीं गिरा, मिलेगा ऐसा कोई? नहीं मिलेगा। पहली बार भी सब कुछ आ गया, ऐसा कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। फिर हम अन्य चीजों में ही क्यों बोलते हैं कि भाई एक बार कर लेने से हमको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर वही सिद्धांत को हम क्यों नहीं अप्लाई करते? तो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग दैट इज कॉल्ड फेल। तो फेल का मतलब फेल नहीं होता, फेल का मतलब होता है पहली बार उस चीज को सीखना। तो पहली बार मैंने ये सीखा कि इंपीरियल मास्टर का लाइफस्टाइल क्या है, इनकम क्या है, उसके बाद में इनको मिलता है पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी इनका भी सैलरी आप दिया हुआ है देख लोगे, उसके बाद में मिलता है इनको मंथ का क्रेडिट कार्ड, सीसी बोलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं 6 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे आपको आपके स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए। मतलब आपके नीचे में जो लोग होंगे उनको डेवलपमेंट करना है, उनका विकास करना है, उनके आईडी पर कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है, आप हेल्प करना चाहते हो, या यहाँ से वहाँ जो यात्रा करोगे उसके लिए जो लगने वाला जो खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा महीने का कितना मिलेगा आपको? 6 लाख। ये महीने में यूज नहीं करोगे तो कार्ड में रिवर्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये 6 लाख मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा आपको ट्रैवल टूर। देखो हर इंसान पिक्चर देखे हो आपने, पिक्चर देखे कि नहीं देखे? तो हीरो हीरोइन को दिल्ली एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से, या जहाँ का भी सीन होगा उस एयरपोर्ट से हांगकांग मलेशिया फ्लाइट करते हुए देखा है, और वहाँ जाने के बाद में तुरंत में 1 सेकंड में वो फिर लग्जरी सीन आ जाता है, बढ़िया लग्जरी गाड़ी से जाते हैं, दिखाते हैं, बराबर है कि नहीं? उस समय मुझे बताइए कि आपको भी वैसा लगता है कि नहीं लगता? हर किसी को लगता है, लेकिन हम मिसेस को नहीं बता सकते, लेकिन हम फ्रेंड को नहीं बता सकते, लेकिन हम किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि वैसा बताएंगे तो लोग हमको हंसेंगे, बराबर है कि नहीं? हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता था कि मुझे भी ट्रैवल टूर मिलना चाहिए। कंपनी आपको 4 टिकट्स दे रही है, 10 nights 11 days, और कंपनी ने ये नहीं बोला है कि ये 4 टिकट में आपके परिवार का कौन सदस्य रहेगा, ये मेंशन नहीं किया है। That means you can carry with you as you like. समझ में आया क्या बात? मतलब आप अपने साथ में जिस भी व्यक्ति को लेके जा सकते हैं आप लेके जा सकते हैं। वैसे फैमिली के लिए ये टिकट है, गलत इस्तेमाल करना नहीं, नहीं। आपको पर्सनल गाड़ी होगी, क्योंकि वैसा ही हम लाइफस्टाइल चाहते हैं, चाहते कि नहीं? पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए, सारे जो आपके फोन कॉल्स हैं, सारे जो आपके मीटिंग्स हैं, कहाँ पर आना है, कहाँ पर जाना है, जैसे एक VIP MLA वगैरह के BA होते हैं, वो सारे काम का देखते हैं, वो केवल 5 साल के लिए होते हैं। They are only five years. क्योंकि 5 साल के बाद में वो चुनकर आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन 5 साल काम करके एक बार आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हो तो आपकी तीन जनरेशन कैसे होगी? लाइफस्टाइल से इंपीरियल मास्टर ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप आमदार भी बन गए, खासदार भी बन गए, एक सत्र में बनेंगे, लेकिन आपका लड़का आमदार बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। मिनिस्टर भी बन जाएंगे तो आपका लड़का या लड़की मिनिस्टर बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आमदार खासदार बनने के लिए लोग 10 साल 20 साल जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एटॉमी का काम करने की जरूरत है, और 5 साल इसमें दे देते हो
तो आप इंपीरियल मास्टर बन जाओगे। और जब ये बनने के बाद में जब मुझे पता चला और मैंने खुद अपने आंखों से देखा फोर्कलिफ्ट, मैंने पहली बार अपने जीवन में सुना, हो सकता है कि आपने भी पहली बार सुना होगा फोर्कलिफ्ट, सुने आपने नहीं सुने, एटोमी में सुने तो आपने जो जमीन की खुदाई करने वाली मशीन तो देखे होंगे सामने में ऐसे। तो वहां पर हमारे इंडियन करेंसी में उनके कोरियन वन थे और हमारे इंडियन रुपीज रहेंगे। ये इंडियन रुपीज आपको मिलने वाला है कैश रिवार्ड में 6 करोड़। कैश रिवार्ड, वन टाइम कैश रिवार्ड, कितने बार? वन टाइम। मान लीजिए मेरे जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी है और उसको बाद में वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जाम्पल थोड़े देर के लिए, लेकिन एक बार उसको 6 करोड़ 6 साल में भी मिल गए, 6 साल में 6 करोड़ मिल गए तो साल के कितने हो गए? 1 करोड़। साल में 1 करोड़, तो साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने का एक साल होता है। सॉन्ग नहीं आता मुझे इसलिए नहीं बोलूंगा, सामने का मत जज करो, ठीक है? तो 12 महीने हो गए, जब 1 करोड़ को 12 महीने में डिवाइड करोगे तो लगभग 8.5 लाख रुपए प्लस महीने का होता है, ठीक है? तो मैंने ये सोचा कि 6 साल यदि मैं जॉब करता हूँ तो क्या मैं 8.5 लाख रुपए पर मंथ बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो ये विजन मेरे सामने में था, इसीलिए मैं पिछले 3 सालों से 1 रुपया भी ना मिलते हुए अपने पॉकेट से खर्चा करते हुए ऑल ओवर इंडिया ने टीम बिल्डअप की है, क्योंकि मुझे पता था कि जब एटोमी इंडिया में लॉन्च होगी तो मैं आईएम जरूर बनूंगा। बराबर 2017 से ही 8.5 लाख रुपए पर मंथ मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है ना? अभी 8.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे आ रहे हैं तो मैं 1-2 लाख रुपए तो यूं ही खर्च कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? और इसीलिए मैंने आसाम कहाँ है, उधर गुवाहाटी कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, कोहिमा कहाँ है, कभी ये नहीं सोचा। वहाँ गया, लोगों को समझाया कि दही आप एजुकेशन लेने के लिए 15 से 20 साल खर्च करते हो लेकिन 6 करोड़ नहीं बना सकते, आप कोई भी डिग्री ले लो नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ काम करके 6 साल भी लगते हैं और 6 साल में 6 करोड़ कैश रिवार्ड भी मिलता है तो भी उतना पैसा बना रहे हो ना, तो समझ वाली बात है कि हमने क्या करना चाहिए, एटोमी करना चाहिए कि नहीं। इतनी सी बात मुझे समझ में आई इसलिए मैंने एटोमी को किया और आने वाले जुलाई महीने तक 2021 के ऑलरेडी मेरा इंपीरियल मास्टर जाने का प्लान ऑलरेडी तय हो चुका है। और ये सब तो मुमकिन हुआ है, मैंने तो डिसीजन लिया था, ये एक कारण है और सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की मेहनत करने की जो जिज्ञासा है उसके वजह से आप और हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेसफुल होने वाले हैं। और जो अभी तक के हमने जो लाइफस्टाइल देखा था कि भाई ऐसा हम अपने लाइफ में जीना चाहते हैं लेकिन अभी तक के नहीं किए, तो वो एटोमी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से हर व्यक्ति जीने वाला है और आज भी जीने वाला हूँ। लास्ट में मैं 1-2 मिनट लूँगा और समझा के बताऊँगा कि मान लीजिए कि मैं महीने का आप वो व्यक्ति कितने साल का बनेगा, 20 साल की उम्र में इसकी इनकम कितनी है सालाना 8 करोड़, तो 8 करोड़ को 43 साल में बांट लो कितना होगा,
क्योंकि जीने वाले हैं 70 साल और साल की इनकम बना रहे हम लगभग 8 करोड़ प्लस, 43 साल जीने वाले हैं तो कितना होगा इनकम, लगाओ कोई कैलकुलेशन से कितना होगा, 344 करोड़। ये जितने भी बिजनेस टाइकून पर्सनलिटीज है उनके ही माइंड में ऐसे कैलकुलेशन चलते हैं, ठीक है ना। हमारे माइंड में केवल वो कैलकुलेशन चलता है कि हमको 1000, कुछ लोगों को समझ में आई होंगी कुछ लोगों को नहीं आई होंगी, तो आप अपने अपने अप्लाइन लोगों को पूछ लेना, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन हिंदी, क्योंकि मैं मराठी भाषी व्यक्ति हूँ तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हिंदी में हो सकती है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना। तो आपने मुझे सुना, आप जितने भी दूरी से आए इतना संयम रख कर यहाँ पर बैठे रहे उसके लिए सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और आप मेरे टीम का हिस्सा हो इसीलिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपने मुझे सुना इसके लिए मैं आप सभी का पहुंचना है, ये पहली सूचना। दूसरी, 1 तारीख को बरघाट में मीटिंग रखी गई है, सेमिनार मीटिंग, आप वहां पर पहुंच सकते हैं, उसके बाद बरघाट, ठीक है, ग्रुप में डल जाएगा। अभी एक आपको सूचित और किया जाता है कि आप अपने अपने अपलाइन से मिलकर जाएं। राष्ट्रगीत के साथ में हम लोग ये सेशन को समाप्त करेंगे। तो एक मिनट सर, कितने तारीख, 6 तारीख, और ओपनिंग, 11। अरे जोर से बोलो यार, 11। अरे जोर से, 11। एक और एक, 11। कितने बजे, 11 बजे। कौन सा महीना, 11। वर्ल्ड रैंकिंग, 11। तो आपकी जो रैंक मल्लिकार्जुन। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लिमिटेड सीट है, यस। कैसी है, जोर से बोलो तो एक बार, लिमिटेड, पहले आओ और पहले पाओ। मैं ये बोलूंगा आपको 10 बजे तब ही आ जाना, शुरू करेंगे। वो एक डेढ़ घंटा से भी